चलिए दोस्तों, तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के साथ लंबे समय के बाद फिर से नए अपडेट देने के लिए तैयार हैं। कंटिन्यू अब आप लोग को अपलोड मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। अभी जो है हमारे पास एक सैमसंग का हैंडसेट है जो कि एक्सीडेंटल है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया गया है। नो मीटर परफेक्ट काम, जिसने भी किया है वो परफेक्ट काम किया है। CPO और EMC के अंदर परफेक्ट काम किया है। बहुत सारे बॉल भी टूटे हुए थे, पहली बार दिल को सुकून मिला कि हमसे भी अच्छा कोई कर रहा है। अच्छा लगा हमें देख करके कि कोई अच्छी लेवल का काम कर रहा है। लेकिन इतने अच्छी लेवल पे काम करने के बावजूद भी उनसे थोड़ी सी कमी रह गई है, बस उसी कमी को हम आप लोग को दिखाने के लिए आ जाए। जैसा कि ये मॉडल है, एक्सीडेंटल है, सब काम सही किए भाई साहब, नो मैटर। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 4 घंटा नहीं दिए मोबाइल पे, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा लड़ाई जो चलता है वो एक ही चीज का है कि कितना जल्दी पैसा रिकवर करे, यानी तुरंत हमें क्विकली सर्विस पैसा चाहिए। और कस्टमर भी वैसे ही मिलते हैं आज के डेट में कि क्विक सर्विस चाहिए, मोबाइल टेक्नीशियन के हाथ में दे या दूसरा हाथ से लौटा दे और बोले बन गया। इतना क्विक कस्टमर भी चाहता है और दुकानदार भी चाहते हैं, मोबाइल टेक्नीशियन भी चाहते हैं कि हम दुकान खोले हैं 20,000-30,000 रुपये महीना भाड़ा देते तो हमें भी फास्ट पैसा आना चाहिए। मोबाइल कैसे बना नहीं बना, नो मैटर। बहरहाल ये जो टेक्नीशियन की हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी बॉल पे काम किए हैं परफेक्ट किए हैं। आज तक जितने भी काम किया हुआ हैंडसेट मेरे पास आया है उस सभी हैंडसेट से बेहतर क्वालिटी में आया है। दिखाएंगे भी, लेकिन कुछ चीज पहले हम बतला देते हैं। सभी काम को करने के बावजूद भी उनके अंदर सिर्फ एक कमी था, वो कमी ये था कि मदरबोर्ड का चाल नहीं समझ पाए। स्कीमेटिक बहुत पढ़े होंगे, ट्रेसिंग बहुत सीखे होंगे, पर मदरबोर्ड का चाल नहीं समझ पाए। आज हम उसी चीज को दिखाने वाले हैं और एक जगह से हम प्रूफ नहीं देंगे, प्रूफ देंगे तो पोख्ता देंगे, ताकि जो भाई काम किए हैं उन्हें भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अगर थोड़ा सा समय और हम देते तो यह हैंडसेट हमारे हाथ से बन जाता। लेकिन आज दिखाएंगे हूबहू। सबसे पहले हमने कहा मदरबोर्ड का चाल बहुत सारे टेक्नीशियन भाई को नहीं मालूम है और हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट को भी नहीं मालूम है। हकीकत है हम पहले अपने स्टूडेंट को मदरबोर्ड का चाल नहीं पढ़ाए थे क्योंकि कुछ चीज उसके अंदर पेंडिंग थी जिसके वजह से हम नहीं दिए थे। और साथ में अपने पुराने स्टूडेंट को भी ये इतला किए थे कि हमारे जून सपोर्ट ग्रुप में कंटिन्यू रहिएगा आप लोग, ताकि जो भी नया हम कुछ निकाले आप लोग को देते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे भाई ये सोच के नहीं आते हैं कि साजी सर के पास जितना था सब हम सीख लिए, अब आगे साजी सर के पास कुछ भी नहीं है, तो ये गलत फहमी है। आप चेला होकर के हमारा हमसे आगे कुछ रिसर्च कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हम आपके गुरु हैं, आपसे कहीं ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जो गुरु आपको ज्ञान दिया है वो गुरु के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी होता है। वो ज्ञान हर शिष्य को नहीं मिलता है, जो उनके करीब हो जाते हैं उन्हें मिल जाता है। आज हम मदरबोर्ड की चाल के बारे में बात करेंगे और उतना डीपली तो नहीं बात करेंगे जितना हम क्लास में करते हैं, लेकिन ऊपर से हम आपको कुछ दिखा देते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं DC पावर सप्लाई। आप लोग DC पावर सप्लाई तो बहुत जोर शोर से चलाए होंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोग के अंदर कमी ये है कि हाई बूटिंग और लो बूटिंग, याद रखिएगा हाई बूटिंग और लो बूटिंग नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ लो बूटिंग को जानते हैं। जो यूट्यूबर बतलाते हैं ये लो बूटिंग में है, ये हाई बूटिंग में है, लेकिन जिक्र कोई करता नहीं है आपके सामने। अच्छा, और इस यही कारण है कि आप लोग भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अभी हम देखिएगा इसका स्विचिंग लेकर के दिखाते हैं, ये बहरहाल हमारे जितने स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम है इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है DC पावर सप्लाई में। अब यहाँ पे हम सिर्फ
सिर्फ हम यहाँ पे पावर बटन आप प्रेस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हल्का सा प्रेस किया, ये देखिए ये 450 से स्टार्ट हो रहा है, 450 से स्टार्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं हाई बूटिंग। अब हाई बूटिंग का मतलब क्या है वो समझिएगा, हाई बूटिंग का मतलब है कि लो वोल्टेज वाली लाइन हाई वोल्टेज में टच हो गई है, इसी को हाई वोल्टेज बोलते हैं। जो लाइन लो वोल्टेज का है वो हाई वोल्टेज वाले में टच हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लाइन हमारा 1.8 का है और वो लाइन शॉर्ट करके 2.8 में सट गया है, उसी को हाई वोल्टेज बोलते हैं। किसी जगह पे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, यानी जहां पे हमारा काम हाई वोल्टेज का है वहां पे हाई वोल्टेज का लाइन कट करके लो वोल्टेज में जुड़ चुका है उसे लो वोल्टेज बोलते हैं, और जिससे लो वोल्टेज वाली लाइन हाई वोल्टेज में कनेक्ट हो गया उसे हाई वोल्टेज बोलते हैं। ये मदरबोर्ड की एक चाल है, आप लोग पकड़ सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप परमिशन दें तो अभी बता दें विदाउट प्रूफ या प्रूफ के साथ, दोनों चीज। एक तो हमने आपको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डीसी लगा के कन्फर्म कर दिए कि इसके अंदर लाइन शॉर्टिंग है। कौन सा लाइन? लो बूटिंग वाली लाइन में हाई बूटिंग शॉर्टिंग है। अब कहां पे शॉर्टिंग है ये समझने के लिए मेरे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, यहां पे हमने यूएमटी के साथ रीड इंफॉर्मेशन लिया, क्योंकि ये मोबाइल डायरेक्टली पोर्ट बन रहा है, डायरेक्ट पोर्ट बन रहा है। यहां पे हमने रीड इंफॉर्मेशन लिया तो सैमसंग A236 इसका मॉडल है, इसका मॉडल है। यहां पे हमें यूएफएस बतलाया 128 GB का, यानी सीपीओ और यूएफएस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रोम और रैम ये दो चीज को अब समझना पड़ेगा। तो रोम का इंफॉर्मेशन हमें यहां पे मिल चुका है, पर रैम को टेस्ट करने का कोई जगह नहीं है। अब यहां पे जब हमें ईएमएमसी का इंफॉर्मेशन मिल गया, यूएफएस का इंफॉर्मेशन मिल गया, यानी सॉफ्टवेयर पार्टीशन का डिटेल मिल गया, तो हम यहां पे आगे क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारे मदरबोर्ड के चाल में कौन सा लाइन की जरूरत है या कौन सा सेक्शन की जरूरत है ये सोचना पड़ेगा आपको। जब मदरबोर्ड की चाल अगर अच्छी तरीके से आपके सीनियर ने पढ़ाया है, या नहीं पढ़े तो अच्छी जगह पे पढ़े जहां पे मदरबोर्ड की चाल आपको परफेक्ट पढ़ाए और आपको सोचने के ऊपर मजबूती मिले कि आपको कब किस सेक्शन के ऊपर ट्रेस करना है। तो यहां पे हमारा सीपीओ ओके हो चुका है, रोम ओके हो चुका है, पर रैम की वेरिफिकेशन बाकी है। अब रैम की वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं वो अब हम आप आगे आपको दिखाने वाले हैं। यहां पे हमारे पास एक्सकेमेट्रिक है जिसे हमने ट्रेस किया। ट्रेस ये किया है कि यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सीपीओ और यूएफएस के बीच में यहां पे हमने एक कोड रेजिस्टेंस निकाला जिसका कोड है, ये कोड होता है आपको एस्केमेटिक में पढ़ने के लिए, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है, आर मतलब रेजिस्टेंस, उसके बाद का नंबर कॉपी करके आप एस्केमेटिक में डाल के पढ़ सकते हैं कि इस लाइन में ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या ओम्स का है, किस सेक्शन का है, वो सारा चीज यहां पे मिलेगा। यहां पे है 4016 रेजिस्टेंस, 4016 यहां पे एस्केमेटिक में हमने खोला तो यहां पे बोला R4016, यहां पे बोल रहा है वोल्टेज रेगुलेटर L1E 0.6, कितना है 0.6। अब ये लो वोल्टेज है, ये जो है लो वोल्टेज है, अब ये हाई वोल्टेज में टच कहां हुआ, कौन सा लाइन इसमें टच कर गया ये समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, इसके बिटमैप नहीं है जो हम आपको इस लोकेशन दिखा सके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइन का पहचान मालूम चल जाए,
वोल्टेज का जानकारी मालूम चल जाए, और जब एक लाइन दूसरे लाइन से लड़ता है तो उसकी पहचान मालूम चल जाए। चलिए हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे और आपको दिखाते हैं लो वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या होता है। तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कि ये लो वोल्टेज है और ये किस सेक्शन का है, ये समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका रैम का डिपार्टमेंट है, ये जो है रैम का डिपार्टमेंट है, इसका कोड देख सकते हैं UCP 400 है, और लैन का नाम जो है देख सकते हैं ई का 7 नंबर बॉल है। ये प्रोसेसर से निकला और जाता कहाँ है वो देखिएगा, UME 5000 ZQ0 लैन 0.6 वोल्टेज। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2, एक R5001 एक R5002। यहाँ पे लेआउट में देख सकते हैं आप 5001 और 5002 कहाँ पे, दोनों रेजिस्टेंस एक साथ रहेगा R5001 और R5002। ये रहा 5000 और 5001, ये दो रेजिस्टेंस है जिसपे 0.6 का वोल्टेज आना चाहिए जो कि रैम को एनेबल करने का है, और यही लाइन किसी ऊंचे वोल्टेज वाले सेक्शन में टच कर गया। चलिए बिना समय गमाए हुए हम यहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके लिए पहले क्या करना है, चार्जिंग का पत्ता लगा देना है, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि मोबाइल चार्जिंग से ऑन होता है, मोबाइल चार्जिंग से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पे हम इसको पलट देते हैं, और इसी रेजिस्टेंस पे जहाँ पे हमें 0.6 बतलाया गया था इस रेजिस्टेंस पे हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं चार्जिंग लगा करके। ध्यान से देख लीजिएगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। इस रेजिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज आने वाला था 0.6, कितना है 1.8, यानी जिस तरीके से हमने आपको बतलाया कि लो वोल्टेज में हाई वोल्टेज एंट्री कर गया है या हाई वोल्टेज शॉर्ट कर गया है। तो रेजिस्टेंस का एक साइड है 1.79 और दूसरी साइड जो है हमारा सेम है, ये लाइन शॉर्ट कर गया है यानी हाई वोल्टेज एंट्री कर गया है। दूसरा आप यहां पर चेक करते हैं, यहां पे भी 1.8 है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्लेड लेना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि बगल में कैपेसिटर है और उससे टच होने का चांस बन जा रहा है। सेम वोल्टेज है जो कि यहाँ पे 0.6 वोल्टेज होना चाहिए एस्केमेट्रिक के हिसाब से, और यहाँ पे वोल्टेज है आपका 1.8, यही लाइन शॉर्ट है, यानी लो वोल्टेज की जगह पे हाई वोल्टेज इंट्री कर रहा है, इसीलिए रैम आपका काम नहीं कर रहा है। ये था थ्योरी जानकारी, ट्रेसिंग की जानकारी। अगर हमारे पास आप कोर्स करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक चैप्टर का 3 रिजल्ट मिलता है। पहले जिस सेक्शन पे हमें काम करना, उस सेक्शन को पढ़ना सीखना है, उसके बाद उस सेक्शन का ट्रेसिंग सीखना है कि किसमें क्या होता है, और जो ट्रेसिंग उसका होगा उसका 5 स्टेप होगा। एक स्टेप आपको पढ़ाया गया, दूसरा स्टेप उसका ट्रेसिंग में 5 अप्लाई होगा, 5 तरीके से मल्टीमीटर चलेगा, एक लाइन पे 5 तरीका। उसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारा होगा ट्रेसिंग का, वो होगा कि प्रॉब्लम किस में है, वो ट्रेसिंग होगा। अगर ट्रेसिंग का क्लास आप करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन,
एक मई से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन हो जाइए, जिसके अंदर 30 दिन का कोर्स रहेगा, एवरी डे एक घंटे का क्लास होगा और एक घंटा आपको इस तरह बतलाया जाएगा ट्रेसिंग यानी प्रूफ के साथ। बहुत कम प्राइज है, जुड़ जाइएगा, इच्छा करेगा तो, जरूरत होगा तो, टाइम पास के लिए मत जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।